सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के टेंस चैप्टर की जो है दो क्लासें कर ली हैं, और आज हम लोग क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। और इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें हम लोगों ने जो सीखा एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले जो सीखा है वो सीखा था हम लोगों के टेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, यानी कि टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स हो गए थे हमारे पास 12। 12 कौन कौन से थे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से 12 जो थे पास्ट के थे, और इसी तरह से 12 चार जो थे पास्ट के थे और चार जो थे वो फ्यूचर के थे। तो कुल हो गए थे 12, जिसमें से हम लोगों ने समझ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। तो चलिए, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में ही कुछ बातें और कर लेते हैं। और हम लोगों ने इसकी फॉर्मेशन समझी थी, इसका स्ट्रक्चर समझा था, और आज उसी के आधार पर हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाले जो है हिंदी वाक्य जो है इनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस था, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका जो स्ट्रक्चर था वो था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसी के साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर आवश्यकता होगी। और आवश्यकता कहाँ पर होगी इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। और अगर जानना ही चाहते हैं, या दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और तो इसके साथ में हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस और ई एस का। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई और यू के साथ भी सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, एस या ई एस का प्रयोग इसके साथ नहीं होता। तो चलिए, इसी आधार पर हम लोग बनाते हैं ये वाले कुछ सेंटेंसेस। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, आई का है। ठीक है, आई और हर रोज की बात करता है, स्कूल जाता, तो जाने का मतलब हो जाएगा गो। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। सेकंड वाले की बात करते हैं, वे प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाते हैं। तो इसको लिखते हैं वे की बात हुई है, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हुई है। जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हुई तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इसलिए लिख देंगे हम लोग दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया सेंटेंस नंबर सेकंड। अब देखिए, इससे पहले हम और सेंटेंसेस पर बढ़े हम लोग, तो एक चीज समझते हैं। हिंदी में आप लोगों ने समझा था कि जो भी सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में होता है ता है, ते है, ती है। ये पुराने टाइम की बातें थी जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, तो इसमें एक रट्टा मार लिया जाता था कि भाई ता है, ते है, ती है वाक्य के अंत में, तो हम लोगों को उसको बना देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये हमेशा ही लागू होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको पूरी तरह से आप रट करके बैठ जाएं कि भाई अगर ऐसा है तभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, तो पूरी तरह से बात गलत हो जाएगी। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें इस तरह की कोई भी हिंट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो वाक्य जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर उसके बाद समझ में आएगी आपको बातें। जैसे कि मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ कि माई ब्रदर। अब ब्रदर यहाँ पर है कितना, सिर्फ एक है, तो इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी, जैसे कि यहाँ पर रहना हो गया लिव, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसी वजह से यहाँ पर लिव ना होकर के हो जाएगा लिव्स। रहता कहाँ पर है, दिल्ली में, इन दिल्ली। चलिए,
फोर्थ की बात करें, सूर्य पूर्व से उगता है, एक शाश्वत सत्य हो गया, सर्वमान्य सत्य हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे द सन राइज। अब देखिए यहाँ पर, अब सूर्य की बात करें तो सूर्य है कितना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, यानी कि एक ही है। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब आएगी उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो आने वाली वर्ब के साथ ऐसे ई एस एड किया जाएगा। तो द सन राइजिस इन द ईस्ट। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसा। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, मुझे आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ तक तो आपने देखा था कि इसके अंत में ता है, ते है, ठीक है, ता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा था, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने समझा था अभी तक। लेकिन इससे जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ता है वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे जाता है, आता है, खाता है, पीता है, वो सब में क्या था, ता है आ जाता है, जाती है, खाती है, पीते, उसमें ती आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से वाक्य की पहचान करनी है, उसी के हिसाब से आप लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको बात प्रेजेंट में कहनी है तो उस बात के लिए हम लोग बात प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का। जैसे अभी इस इंसान को ज़रूरत है यहाँ पर कि मुझे आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, तो इसे जो ज़रूरत है वो वर्तमान में ही तो है। इसे इसने ये थोड़ी कहा कि मुझे कल आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत होगी, या मुझे कल जो बीता हुआ कल था, यानी कि येस्टरडे, मुझे कल आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी। अगर ऐसा कहता तो हम लोग इसको पास्ट में या फ्यूचर में बनाते। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है कि मुझे आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, यानी कि उसको ज़रूरत है अभी। और जो अभी ज़रूरत है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में बनाया जाएगा। और प्रेजेंट की कौन से वाले टाइप में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। तो चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सो आई नीड। अब बात करें, आई के साथ नीड आएगा, नीड्स आएगा, तो आई के साथ अभी हम लोगों ने समझा है कि आई के साथ ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई नीड योर, इधर मोटर बाइक लिख दें या मोटरसाइकिल लिखें, मोटर बाइक लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। आई नीड योर मोटर बाइक, ठीक है, बस खत्म। उसे एक गिलास पानी चाहिए। अब यहाँ पर भी लास्ट में देखिए, कहीं पर भी ता है ते है वाली बात तो आई ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको पानी चाहिए, वर्तमान में ही तो चाहिए, इसीलिए इसमें लिख देंगे हम लोग, या इसको बना देंगे ही। अब देखिए यहाँ पर उसे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर लिखा उन्हें, ठीक है ना, अगर यहाँ पर लिखा उन्हें, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पर दे, और दे के साथ जब वो आती तब तो आ जाती वो। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ही, चलो मैं वर्ब को लिखता हूँ वॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन्हें आता तो उन्हें के लिए तो वॉन्ट का प्रयोग कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काफ़ी सारे व्यक्ति थे यहाँ पर, कहीं उन्हें की बात करें तो। लेकिन अभी ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हो गया सिंगुलर। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को वर्ब में एस और ई एस ऐड करवाना पड़ता है। तो ही वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। तो इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो इसमें भी क्या है, ता है ते वाली बात नहीं है, लेकिन हमको फिर भी इसको किस में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि ये एक तरीके से रेगुलर सी बात है, यानी कि हमेशा की जो बात होती है हमेशा। अब इसकी कीमत 100 रुपये तो है ही, ठीक है। तो चलिए दिस बुक, अभी देखिए दिस बुक, यानी कि यहाँ पर जो है एक ही पुस्तक की बात हो रही है, और जब पुस्तक एक है तो आने वाली वर्ब होगी हमारे पास, वर्ब चाहिए हमको सिंगुलर, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, उसके अंदर एस और ई एस ऐड करने के बाद हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर दिस बुक कीमत होना, इसको लिखा जाता है कॉस्ट, और यहाँ पर ये सिंगुलर है, इसी वजह से हो जाएगा कॉस्ट, दिस बुक कॉस्ट। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे लिख दें 100 रुपीज़ लीजिए, हो गए यहाँ पर हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों, तो इससे हमको समझ में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होगा उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और एस और ई एस का प्रयोग होगा जहाँ पर कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। इससे संबंधित और भी बातें हैं, वो हम करेंगे बाद में, जब यानी कि एक बार चलो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन सभी टेंस का कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए अभी यहाँ तक तो सीख लिया हमने, तो चलिए इसका हम लोग ना अभी नेगेटिव सेंटेंस भी देख ही लेते हैं किस प्रकार से बनाए जाएंगे।
तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मेशन समझी थी वो थी अजर्टिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव की। ये है क्या भला? ये हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार टेंस की क्लास नंबर 1 जरूर देख लें। पॉजिटिव सेंटेंस होगा और इसका अफर्मेटिव जो है उसी की फॉर्मेशन हम लोगों ने समझी थी, वो थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी के साथ एस, ई एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। उसके बाद अफर्मेटिव को कहा जाता है दूसरे तरीके से पॉजिटिव भी, आप इसको ऐसा समझे। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जिसके अंदर नेवर या नो या नोट वाली बात ना की गई हो, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। दूसरी फॉर्मेशन सेंटेंस तो रहेगा हमारे पास एडजेक्टिव ही, इसी की दूसरी टाइप बनती है हमारे पास नेगेटिव वाली, ठीक है। नेगेटिव जो सेंटेंस होगा हमारे पास नेगेटिव, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा बस ये सभी सेंटेंसेज के लिए है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो, प्रेजेंट पास्ट का हो, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो या पास्ट इंडेफिनेट का हो। तो जितने भी हमारे पास टेंस रहेंगे उन सभी के सेंटेंसेज की फॉर्मेशन ऐसी रहेगी नेगेटिव बनाने के लिए, कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे नॉट, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इसमें कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। थोड़ा सा बस इसको थोड़ी सी जानकारी लेंगे, गहराई से इसको समझेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाऊंगा, वहाँ पर समझ में आ जाएंगी सभी बातें। तो ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर जो ये प्लेइंग है इसको आप समझ के चलेंगे कि ये हो गई है मेन वर्ब, और ये जो इज है ये हो गई है हेल्पिंग वर्ब। इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, AUXILIA ऑक्सिलरी वर्ब भी इसी को कहा जाता है। इसके टाइप्स कैसे होते हैं, यानी कि इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑक्सिलरी वर्ब्स को, तो इसको समझेंगे वर्ब्स वाले चैप्टर में। बस फिलहाल आपको इतना समझना है कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हमारे पास मेन वर्ब होती है, और जो नोट का प्रयोग होगा वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब होगी, इधर हेल्पिंग वर्ब होगी, और नोट का प्रयोग हम लोग इनके बीच में करेंगे। तो बस इतना समझते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस में। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और हेल्पिंग वर्ब तो आपने समझ लिया, लेकिन बात कर रहे हैं अब हम लोग किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है भाई हमारे पास डू और डज, बस ठीक है। डू और डज में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद में किसका प्रयोग होगा भाई नोट का, और फिर मेन वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे, और बाकी जो भी कुछ सेंटेंस में रहेगा वो इसके बाद चला जाएगा। तो चलो देखिए, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे पहले वाली बात है कि वह हर रोज स्कूल जाता है, या मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैं हर रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया है नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आई इसको इधर से चेंज करता हूँ, बाकी सेंटेंस तो एज इट इज रहेगा, बस इसमें चेंज क्या आएगा, सिर्फ देखिए यहाँ के बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कुछ है वो तो रहा, लेकिन नोट से पहले सिर्फ ये डू और डज का प्रयोग कर लेंगे हम लोग, और सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इसको यहाँ से आई, अब आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, ये थोड़ा सा हमको समझना है, लेकिन फिलहाल मैं लिख देता हूँ सेंटेंस के लिए आई डू, और उसके बाद ये गो हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, और ये हो गई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा, नोट का। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, बस ये इसका इंग्लिश में एक तरीके से ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको डू और डज में क्या डिफरेंस रहेगा। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में समझा था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है
वो होती है प्लूरल। इसको अगर आपको सिंगुलर बनाना हो, ठीक है, तो एस या ई एस इसके अंदर ऐड करवाएंगे और तब जाकर के बनेगी हमारे पास सिंगुलर वर्ब। और डू जो है ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखूं तो डू होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। ये डू जो है ये कैसी हो गई हमारे पास, प्लूरल फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गई प्लूरल। और डज जो है इसके अंदर क्या हुआ, डू के साथ में ऐड करवाया गया है क्या, ई एस, डू प्लस ई एस, तो हो गया डज। और अभी हम लोगों ने समझा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस बना ऐड करवा देते तो बन जाती है सिंगुलर वर्ब, तो डज हो गया हमारे पास सिंगुलर वर्ब। रूल वही रहेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो हो, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो हुआ वो हो गया प्लूरल तो किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग, डू का। आई और यू के साथ हम लोगों ने समझा था कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डू। तो बस इसलिए यहां पर आई लिखा था मैंने, तो आई के साथ डू का प्रयोग कर दिया था। चलिए अब सेकेंड सेंटेंस पर देखते हैं कि वे प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाते हैं, तो अब इसको मैं नेगेटिव में चेंज कर लेता हूं, सैर के लिए नहीं जाते हैं। तो चलिए दे, अब यहां पर दे आया है, इसको मैं पीछे ले जाता हूं इस तरफ, तो दे, अब दे कैसा हो गया, दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का, दे डू, और उसके बाद में आ जाएगा नॉट, तो दे डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो मेरा भाई दिल्ली में रहता है, और अभी कहना चाह रहा है इंसान कि मेरा भाई दिल्ली में नहीं रहता है। अगर ऐसा कहा जाए, यानी कि मैं सेंटेंसेज को क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव में चेंज कर रहा हूँ, और जब मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा तो बस इसके अंदर मेन वर्ब की साथ में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोगों को एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, सॉरी नोट की जरूरत होगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना होगा। तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो माई ब्रदर, अब देखिए माई ब्रदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर आ जाएगा डज, सो माई ब्रदर डज नॉट। अब समस्या थोड़ी सी यहां पर और समझते हैं, यहां पर लीव आएगा या लीव्स आएगा, तो चलिए बस आप फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जब भी हमारे सेंटेंस में डू और डज का यूज होगा, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, कि जब भी डू और डज का यूज हो जाएगा सेंटेंस में तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे विदाउट एस और ई एस। तो यहाँ पर माई ब्रदर डज नॉट लिव आएगा, अब लिव्स नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को डज ही किसके बारे में जानकारी दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी दे रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जहां पर भी आपको डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह से नजर आ जाए, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब की तरह से, मेन वर्ब की तरह से नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह से अगर डू और डज नजर आ जाए तो उसके आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि कहीं पर भी आपको सेंटेंस में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नजर आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ नजर आए विदाउट एनी अदर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना को, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये राइज, सिर्फ इसके अंदर एक वर्ब है, इसके साथ में कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर देखें आई नीड, तो इसमें भी ये एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही के साथ वांट्स लगा है तो इसके साथ भी ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप इसमें आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है बस। और यहाँ पर कॉस्ट लगा है, देखिए जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया वहां पर तो बिल्कुल ही आप मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही बात की जा रही है बस। तो चलिए अपने सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, द सन राइजेस इन द ई, यहाँ पर थे हम थर्ड पर, माई ब्रदर डज नॉट लिव इन दिल्ली, सूर्य पूर्व से उगता है, इसको तो नेगेटिव नहीं बनाएंगे हम क्योंकि सूर्य तो पूर्व से ही उगता है, ठीक है,
लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सूरज उत्तर से नहीं उगता है, ठीक है ना। ये बात तो ठीक होगी क्योंकि सूरज उत्तर से नहीं उगता है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं अब नेगेटिव में, द सन यहां से शुरू करता हूं इसको लिखना, द सन, अब सन हो गया सिंगुलर तो हम लोग प्रयोग करेंगे डज का, द सन डज नॉट राइजेस, अब राइजेस नहीं आएगा, अब राइज आएगा क्योंकि डज का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने, तो डज के बाद में राइज का प्रयोग होगा, राइजेस का नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग विदाउट एस और ई एस, तो द सन डज नॉट राइज इन द, अब उत्तर की बात की तो उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, इन द नॉर्थ। तो फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं, मुझे आपकी मोटरसाइकिल की जरूरत है, और इसको थोड़ा नेगेटिव बना लेते हैं, तो जरूरत नहीं है ऐसा लिख देता हूं मैं, तो इसमें क्या कर देंगे, आई, तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से थोड़ा सा, तो आई, आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। अभी समझा हम लोगों ने, आई और यू के साथ डू का प्रयोग होगा, सो आई डू नॉट नीड योर मोटर बाइक। चलिए सिक्स की बात करते हैं, ही वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे एक गिलास पानी चाहिए, अगर मैं कहूं कि उसे एक गिलास पानी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं की बात हो गई, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो इसको मैं यहां से चेंज कर देता हूं कि यहां पर लिखूंगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ही डज नॉट, अब डज पहले लग गया इसकी वजह से यहाँ का जो एस है ये वाला हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो ही डज नॉट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, या इसको मैं थोड़ा नेगेटिव बना लेता हूँ, इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये नहीं है, तो दिस बुक, चलो इसमें थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, तो दिस बुक अब यहां पर लग जाएगा डज, क्योंकि एक किस पुस्तक की बात हो रही है, डज नॉट, ठीक है, इसको नॉट बनाता हूँ, एच जैसा लग रहा है ये, तो चलो एन बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो दिस बुक डज नॉट, अब यहां पर ये एस हट जाएगा, डज नॉट कॉस्ट 100 रुपीज। तो यहां पर मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई है कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, और एडजेक्टिव तो हम लोगों ने इससे पहले ही समझ लिया था, अफर्मेटिव इसका इससे पहले वाली क्लास में ही हम लोग सीख चुके थे, कुछ वाक्यों की हम लोगों ने प्रैक्टिस की, आज हम लोगों ने नेगेटिव को समझा, नेगेटिव की फॉर्मेशन को देखा, इसका स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों ने इन सेंटेंसेज को पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील करके यहाँ पर इनकी इंग्लिश फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दी, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा जाए तो आप उसकी उसका टेंस पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो इसकी पहचान आपको हो गई। मैंने आपको बताया कि जब भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह से नजर आए तो समझ लेने कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया गया है, और आपको यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ नजर आए तो उस समय भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस मान लिया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझेंगे आप, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो उस समय, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू और डज की तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो डू और डज आ जाएगा, तो जिससे हम लोगों को पहचान हो जाएगी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो बस इसकी पहचान आप लोगों को पता लग चुकी है, इसकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग समझ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपको समझ आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, हम इससे अगले वाली क्लास में मिलेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए, मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।